अरे उसकी भाभी बच्चा दे रही है, ऐसे कैसे प्रपोज कर दूं? ए, यही अच्छा टाइम है, जाके उसको प्रपोज कर दे। नहीं लगा? तुम लड़कियां प्रपोज भी कितनी आसानी से कर देती हो, और हम लड़के हाथ का पकड़े यही सोचने में कई हफ्ते निकाल देते हैं। मेरे बुद्धू। I love you. I love you too. ओह, बेबी बिल्कुल भाभी पर गई है। अच्छा भाभी ने तुम्हें बुलाया है, चलो। अबे ये कार बीच सिग्नल पर छोड़ दी है, उसको ठीक से पार्क तो कर। मैं तेरा गाड़ी लगा के आता हूँ। हाँ। चल, तेरी वजह से मैं गाली सुन रहा हूँ। हाँ पापा बोलो। ए, तेरी शादी नहीं हो रही तो क्या मुझे दूसरों की शादी पे भी नहीं जाने देगा? अरे तो कौन रोक रहा है, जाओ ना। अरे कार तेरे पास है, जल्दी लेके आ। 5 मिनट के अंदर कार आपके सामने होगी। 5 घंटे पहले भी यही बोला था तूने निकम्मे, तू फिर से भूल जाएगा। घर पहुँचने तक फोन काटना मत। बेटा वो अजय के पापा का फोन है, इस बारे में काफी सोचा, लड़का अच्छा है, मेरे ख्याल से ये तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। अब देखो कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोचना। पापा। हाँ बोलो। वंदना किसी और से प्यार करती है। किसे प्यार करती है? दरअसल वो वही लड़का है जिसने हमें उस रात सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया था। वंदना और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपको याद है वो लड़का जिसने वंदना के स्टूडेंट को अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाई थी? हाँ पता। ये वही लड़का है। ओह वही लड़का है क्या? पर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, He's a nice guy. ऐसा दामाद मिले तो खुद को मैं लकी समझूंगा। एक काम करो, उससे कहो सीधे घर आकर मुझसे मिले। थैंक यू पापा। You're welcome. थैंक यू भाभी। कल ही आप दोनों से उसे मिलवा दूंगी। हाँ हाँ, अच्छे काम में देरी कैसी? हेलो डार्लिंग। आई लव यू। अरे रात में भी लव, सुबह में भी लव, ये लव का ओवरफ्लो किस खुशी में? अरे मेरी शादी पक्की हो रही है तो खुशी तो होगी ना। क्या तुम्हारी शादी पक्की हो रही है? हाँ हो रही है। अकाउंट मेरे बैंक में खुलवाया और चेक किसी और का पास हो रहा है। यार तुम ना लल्लू हो, मेरे दूल्हे तुम हो। ओह मेरा ही अकाउंट एक्टिवेट हो रहा है। सही कहा, मैंने पापा से बात कर ली है और पता है वो राजी भी हो गए हैं। अच्छा फिर? तुमसे मिलना चाहते हैं। घंटों तक मिलेंगे, जल्दी आ जाना। ओके ओके बाय बाय। प्रेम होगी, मने प्रेम होगी, प्रेम प्रेम प्रेम। कैसे भगाएगी इसे, कैसे निकालेगी इसे? आदिवासी जंगलियों की तरह हिन हिना क्यों रहे हो? बस करो। मतलब भूत का असर नहीं है क्या? भूत का नहीं प्यार का असर है, एक परी को मुझसे प्यार हो गया है। परी का? माँ अपने पति को बोल दो कि कमर की अच्छी तरह मालिश करवा ले, मेरी बारात में ना बहुत ठुमके लगाने हैं। क्या कहा था इन्होंने माँ? मैं डिफेक्टेड पीस हूँ, मुझे कोई लड़की नहीं देगा, काम वाली बाई भी मुझसे शादी करना नहीं चाहेगी। कुदरत ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया है, एक लड़की मुझसे शादी करने को बेताब है। जल्दी लेकर आओ। हाँ ऐसा ही गरीबों वाला मुंह बना के रखना, क्या है कि गंदा मुंह जहाँ पर होना वहाँ नजर नहीं लगती है। मेरे होने वाले ससुर आने वाले हैं, स्वागत से स्वागत करना। ए, रेडियो का कान खींच के वॉल्यूम कम कर। क्यों सर, पसंद नहीं आया? अरे मैं भूल जाऊंगा क्यों आया, वॉल्यूम कम करना। पूरी कायनात मेरा ध्यान भटकाने पर लगी है, पर चाहे समंदर सूख जाए, रेगिस्तान में बाढ़ आ जाए, मेरा ध्यान हटने वाला नहीं है, वंदना के डैडी से मिलकर आऊंगा। सुनिए भाई साहब, मेरी बेटी को संभालेंगे, मैं बस पानी लेकर आया। पैदा किया उसको बोलो। भाई साहब बस एक ही मिनट में आ जाऊंगी। तुम्हारे एक मिनट के चक्कर में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे नल सामने ही है। अरे सामने तो समंदर भी, उसी से भर लो। हार में जा, बेटा अंकल को छोड़ना नहीं, मैं अभी आई। अरे ए, दीदी मैम साहब। हाँ बेल मुझे मार। ससुर आएगा, ससुर आएगा, ससुर आएगा, ससुर आएगा। मुंह पर ही भुरभुरी छोड़ रही है, जरा दूर बैठो बेटा। ध्यान भटकने नहीं दूंगा। हाँ।
बेटी के बारे में सोचना भी मत और मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। ये तो वही खड़ूस है, इसने मुझे देख लिया तो फिर से हंगामा खड़ा कर देगा। उए, उए, ससुर जी मरी क्यों? रुको, क्या बेटा स्विमिंग करने जा रही हो? मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मेरी बच्ची। क्यों बहन, ये आपकी बेटी है? हाँ, बड़ी लापरवाह है। मेरी बेटी है। ऐसे छोड़ता है कोई अपने बच्चों को? क्यों रे, तुझे बोला था बेटी का ध्यान रखने, तूने डूबने के लिए छोड़ दिया। आज भी है कि जान में? इस बच्ची का ध्यान रखने को कहा। क्यों भाई, बड़ों के साथ ऐसा करते हो? कोई बात नहीं, इस मासूम को भी ऐसे ही छोड़ दिया। अंकल, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? वक्त रहते जान गया, नसीब अच्छे थे मेरे। ऐसे इंसान से दूर रहने में ही भलाई है, वरना तुम्हारी जगह मेरी बेटी होती और इसकी जगह आज मेरी नातिन होती। ये भुलक्कड़ों का बहुत बड़ा बादशाह है, माइंड डाइवर्जन का आइकॉन है। नहीं 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 नहीं, यूथ आइकॉन। क्यों, कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? अच्छा हुआ आपने अपनी बेटी की शादी इस भुलक्कड़ के साथ नहीं की। वो तो अच्छा हुआ कि आप आ गए, वरना मेरी बेटी, अपनी बेटी का ख्याल होता। इनकी बातों का कुछ असर हुआ कि नहीं तुम पर? अरे तुम तो भुलक्कड़ हो, भूल गए होंगे ना? सब भूल जाओ और मस्त रहो। जिस उपभोक्ता को आपने फोन किया उसकी लगी पड़ी है, कुछ सालों के लिए लाइन पे बने रहें या अगले जन्म का इंतजार करें? बरेली के ठुमके मारने वाले फौज में क्यों बैठे काका? माँ इनसे कहो अब ये नौटंकी बंद करें। मैं नौटंकी कर रहा हूँ और तू जो रोज रोज करता है उसका क्या? हमारी जिंदगी को कॉमेडी सर्कस बना दिया। फिर रिवाइंड हो गए। ज्यादा भौंकने वाले कुत्ते और पटर पटर चलने वाली जुबान, दोनों की किस्मत में लात खाना लिखा होता है। इधर पटर पटर जबान तो आपकी। आगे बोलो ने काका। अरे ये क्या बोलेंगे, इनको तो लगता है मैं जो करूं। अरे सिर्फ इनको नहीं, पूरे शहर को लगता है। जिन्ना रास्कला। हे, सबकी लाइफ में कुछ न कुछ कॉमेडी होती है, पर तेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडी है। ए, एक काम कर, घर के बाद घर में रहेगी तू, काम वाली बाई से शादी। ससुर जी पाए लगू। सौभाग्यवती रहो, दूधो नहाओ, पूतो पोलो, जल्दी मुझे एक पोता दो। छोड़ो से, और तू जा बर्तन मान, झाड़ू पोछा कर, लाइन मार रही मेरे बेटे पर। पोछा मारने वाली से पोता मांग रहे। देख बेटा, अगर ये हाथ से निकल गए तो जिंदगी भर कुंवारा रह जाएगा, थोड़ा सा मेकअप लगाएगी तो चमक जाएगी। 5 किलो लगाना पड़ेगा। चुप रहे, दीपिका पादुकोण लगेगी, पीछे से कमर की लचक तो देखो। चाचा इतनी अच्छी लगती है तो आप ही शादी कर लो, फिर रोज कमर की लचक देखते रहना। सब ठरकी है। ए, तू चुप कर, अच्छे से लाइन मार, एक दिन तेरी हो जाएगी। ऐसे मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। आप ही मुझे समझती है माँ, बस एक दिन की छूट दे दो, 3-4 खंबे कटक जाऊंगा ना, पूरा फ्यूचर साफ दिखने लगेगा। ठीक है, लेकिन तू लिमिट में पीना। हाँ क्या है ना, ज्यादा पीने से लीवर खराब हो जाता है। ए, नीचे देख बेवड़े, तू कितना भी प्लान बना ले, वादा करता हूँ अपनी बेटी की शादी तुझसे कभी नहीं होने दूंगा। तू पीना। अबे तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ले कोशिश। आजा आजा। अबे तू क्या करेगा, अबे ऐसे ही भागता रहेगा मेरे पीछे पीछे, मुझे पकड़ नहीं पाएगा तू। चल जमुरे, गायब हो रहा हूँ मैं। बस अगर मुझे फिर से मारा तो क्या, मैं रो पड़ूंगा। क्या बात है, बेवकूफ, जब देखो मुंह उठा के चलाता है। पता नहीं पापा इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, क्या आफत है। हेलो डार्लिंग, क्या चल रहा है? बेबी तुम अभी बिजी हो क्या? नहीं तो, पर तुम इतनी उखड़ी हुई क्यों? तुम वो सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहती हूँ तुम पापा से मिलकर हमारे रिश्ते की बात करो। अगर उसी दिन आ जाते ना तो हमारी एंगेजमेंट हो चुकी होती। छोड़ो, आ जाओ और उनसे मिल लो। अगर मैं मिलने आ गया तो वो हम दोनों का मिलना बंद करवा देंगे। क्या क्या बोले? कुछ नहीं। अच्छा बताओ कब, कहाँ, किस तरह, उस तरह कैसे मिलना है? ओके, एक मिनट था। पापा, रजनी लाइन पर है, बताइए वो आपसे कब मिल सकता है।
पहले कंफर्म कर लो आएगा या नहीं। पिछली बार भी अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा था। मुंह तो उस दिन वो सोशल सर्विस में बिजी हो गया था ना, एक बार चांस तो दीजिए, टाइम से पहले आ जाएगा वो। ठीक है, उसे कहो कि पार्क में आ जाए, हम वहीं मिलेंगे। ओके, एक घंटे बाद पार्क में पहुंच जाना। प्लीज इस बार डिसअपॉइंट मत करना माय स्वीट हनी। बाय बाय। फिर उस कड़वे करेले से मिलना पड़ेगा। ले भाई चख के देख, मूड अच्छा जाए। इतनी बदबू क्यों आ रही है इसमें से? अरे भाई इसमें मैंने गोबर मिलाया है, डायनासोर का, कुकड़े का और अपना वॉचमैन का। नहीं नहीं, वॉचमैन के ब्लैक एंड व्हाइट बकरी का, सबको मिक्स किया है इसमें। सूरजमुखी के 32 बीज डाले, 32 दांतों से चबाना। कौन था अंकल? हाँ रजनी, बहुत अच्छा लड़का है। ओ आज के जमाने में ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। वंदना उससे बहुत प्यार करती है। अगर वंदना की चॉइस है तो जरूर अच्छी होगी। अंकल इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं भी उससे मिलने के लिए आपके साथ चलूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, खाना खा लो फिर चलते। ए भाई उस फोन के बाद तेरे मूड के 12 बज गए हैं, सब ठीक है ना? बिल्कुल नहीं, उसका बाप मिलने आ रहा है मुझसे। तो कर ले मधुर मिलन। वो तो कर चुका हूँ, तभी तो वो जानता है कि मैं कौन से लेवल का भुलक्कड़ हूँ। उससे मिला तो कंफर्म शादी कैंसिल कर देगा। तो हीरोइन भूल जा। अरे नहीं मिला तो वंदना कैंसिल कर देगी। ए पनौती, अरे कैसे दोस्तों, कुछ तो आइडिया दो। अरे भाई क्या दिमाग का पंचर कर रहा है, बॉलीवुड से कुछ तो सीख। किसी ढीले नमूने को उनके पास ले जा और बोल कि ये तू है, सस्ता सुंदर टिकाओ बैंकॉक मकाओ। बेस्ट डील ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे मिला। जो बग के पाबंद नहीं होते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। देखो कब से बैठे हम। ए भाई धीरे चला ना भाई। यार उसे लेट लतीफ लोग पसंद नहीं है। इतने फास्ट तो हमेशा के लिए लेट जाएंगे। अंकल आप अपसेट लग रहे हैं, मैं ड्राइव करूं? हाँ ठीक। वो रहा मेरा ससुर। किधर है, कौन है? अरे कहाँ जा रहा है? तू ही तो रजनी है। भाई तो उनका चेहरा क्यों नहीं भूला? जा और जाकर छाछा मेरे शेर में नहा कर नहीं आया। चाहे हो ससुर जी। अरे क्या कर रहे हो, मेरी टांग क्यों खींच रहे हो भाई? टांग आई एम रजनी। ओ रजनी कहाँ अटक गए? वो आजकल है ना गैस का थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरी बाइक है ना वो गैस पे चलती है, और गैस पता नहीं किस पे चलता है, तो उसी धरपकड़ में मेरी गैस छूट गई और ट्रेजेडी हो गई। I don't believe वंदना का टेस्ट इतना खराब है। ये बका अपना अपना टेस्ट है, तुझे सनी लियोनी पसंद, मुझे सनी देओल, दोनों होली दिवाली में सुपर हिट। अंकल कौन थे, मतलब कौन है भाई? अच्छा ये हमारे फैमिली फ्रेंड है, मेरे दोस्त के बेटे। अच्छा हेलो, पुलिस इंस्पेक्टर है। लीकेज के बाद हाथ नहीं धोया है। इट्स ओके, चलो अब तक तो सब सही चल रहा है। ऊपर वाले बचा ले।